नमस्कार बच्चों, गोडविल डिग्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल जीडीसी कीर्तन लर्नर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है परमाणु की संरचना। परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ठीक है ना, और वो कैसे व्यवस्थित रहते हैं, परमाणु की संयोजकता क्या होती है, ये सब चीजें हम आज पढ़ेंगे इस लेक्चर में जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले परमाणु। परमाणु क्या होता है? पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम एवं अविभाज्य कण को परमाणु कहते हैं। कोई भी पदार्थ हो उसका सबसे छोटा जो कण होता है उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु। परमाणु जो होता है सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा होता है, इसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। अविभाज्य होता है, अविभाज्य मतलब इसको हम तोड़ नहीं सकते। ये धारणा जो है थोड़ी सी अभी चेंज हो गई है। वैसे तो अविभाज्य मान जाता है, लेकिन परमाणु को हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद परमाणु के तीन अपरमाणु कण होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं परमाणु के तीन। पहला होता है प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन। परमाणु के अंदर उपस्थित ये अपरमाणु कणों में से दो कण आवेशित होते हैं, यानी कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में से जो दो कण होते हैं उन पे आवेश होता है। प्रोटॉन पे धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन जो होता है हमारा उदासीन होता है। प्रोटॉन की बात करते हैं, यह धनावेशित कण होता है जो परमाणु के नाभिक यानी कि भीतरी भाग जिसे हम केंद्रक कहते हैं में रहता है। यह तत्व के सभी रासायनिक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। परमाणु में प्रोटॉन के घटने या बढ़ने से उसके रासायनिक गुणधर्म भी बदल जाते हैं। अगर किसी परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है तो उसके गुणधर्म भी बदलते हैं, ठीक है बच्चों। प्रोटॉन को पी प्लस से दर्शाया जाता है, यानी कि इसका जो सिंबल होता है वो पी प्लस, स्मॉल पी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाया जाता है। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है, यानी कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान एक इकाई और इसका आवेश प्लस एक लिया जाता है, यानी कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो एक इकाई होता है और इसका जो आवेश होता है वो प्लस एक लिया जाता है। इन्हें आसानी से नहीं निकाला जा सकता क्योंकि ये नाभिक में रहते हैं, यानी कि परमाणु का जो नाभिक है, परमाणु का जो केंद्र है उसमें रहते हैं। यदि इन्हें निकाला गया तो नाभिक टूट जाएगा। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। इलेक्ट्रॉन। परमाणु यह ऋणावेशित कण है, परमाणु का यह ऋणावेशित कण है जो नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न और निश्चित कक्षाओं में चक्कर काटते रहते हैं। परमाणु के जो केंद्र हो गया उसमें प्रोटॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं और ये भिन्न भिन्न कक्षाओं में रहते हैं। इसे स्मॉल ई के ऊपर निगेटिव चार्ज द्वारा दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है और इसका आवेश -1 लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन में कोई भार नहीं होता, लगभग नगण्य भार होता है, नगण्य द्रव्यमान होता है, इसका आवेश जो होता है -1 लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है, इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे.जे. टॉमसन ने की थी। अब बात आती है न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित बिना आवेश वाला कण है, यानी कि प्रोटॉन के साथ में नाभिक में न्यूट्रॉन भी होता है जिस पर कोई आवेश नहीं होता। इस पे ना कोई निगेटिव चार्ज होता है ना इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूट्रॉन के ऊपर। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जे चैडविक ने एक और अपरमाणु कण को खोज निकाला जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था, यानी कि जो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। अतः अंततः इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। सामान्यतः न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से दर्शाया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। अगर हमें किसी भी परमाणु का द्रव्यमान जो है निकालना है
तो उसमें प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं, उसके द्वारा हम परमाणु का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। उदासीन परमाणु, देखो परमाणु जो होता है हमेशा क्या होता है, उदासीन होता है। सामान्यतः कोई भी परमाणु उदासीन होता है क्योंकि परमाणु में धन प्रोटोनों की संख्या ऋण इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। यही कारण है कि किसी भी परमाणु पर नेट आवेश शून्य होता है और परमाणु उदासीन होते हैं। जे जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया था। उदासीन परमाणु की अगर हम बात करें, सामान्यतः कोई भी परमाणु उदासीन होता है क्योंकि परमाणु में धन प्रोटोनों की संख्या ऋण प्रोटोनों की संख्या के बराबर होती है। यही कारण है कि किसी भी परमाणु पर नेट आवेश शून्य होता है और परमाणु उदासीन होता है। एक बार मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूं, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के परमाणु में 8 धन प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन यानी कि 8 ही ऋण इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपको याद रखना है कि कोई परमाणु उदासीन क्यों होता है, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे उतने पॉजिटिव चार्ज हुआ, इलेक्ट्रॉन पे उतना ही नेगेटिव चार्ज हो गया। प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन का जो है चार्ज कट करके चार्ज बच गया, शून्य है हमारे पास, तो शून्य का मतलब उदासीन। ठीक है बच्चों, टॉमसन का परमाणु मॉडल। टॉमसन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था। इसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवे की तरह थे। इसको हम तरबूज का तरह भी मान सकते हैं। जिसके अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धंसे हैं। यानी कि परमाणु में जो धनावेश होता है तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तरबूज के बीज की तरह धसे होते हैं। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन हो गया और ये धनात्मक, जो हमें ब्लू पर्पल कलर दिख रहा है ये धनात्मक गोला हो गया हमारा। ठीक है, टॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। टॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां। दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के द्वारा जब दूसरे वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए तो इसके मॉडल की पुष्टि के कोई प्रमाण हमें नहीं मिले, इसलिए इस मॉडल को नकार दिया गया। परमाणु नाभिक की खोज। परमाणु केंद्र की खोज रदरफोर्ड ने की। उन्होंने तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पतली पन्नी पर टकराया। अल्फा कणों को उन्होंने सोने की पतली पन्नी से टकराया, जिसके परिणाम स्वरूप पता चला कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। जहां से अल्फा कण बिना टकराए पन्नी से सीधे निकल गए, परंतु कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए, मतलब मुड़ गए। जहां से ये कण विक्षेपित हुए थे, दरअसल वह परमाणु का नाभिक अर्थात केंद्रक था। इस प्रकार रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। ठीक है, जैसे अल्फा कणों की बौछार सोने की पन्नी पर की उन्होंने, तो कुछ कण तो सीधे निकल गए, बहुत कम कण विक्षेपित हो गए, बहुत ही कम कण वापस मुड़े, तो उससे क्या पता चला कि अधिकांश भाग तो खाली है जो निकल गया। कुछ जो केंद्रक के संपर्क में आए वो मुड़ गए, और जो बिल्कुल सामने आए केंद्रक के वो क्या हो गए, हमारे वापस हो गए, क्योंकि केंद्रक पे कौन सा चार्ज होता है, धनावेश। ठीक है, और अल्फा कण पे कौन सा चार्ज होता है, धनावेश, तो धनावेश धनावेश को प्रतिकर्षित कर देता है, वापस मोड़ देता है, जो उसके संपर्क में आता है वो विक्षेपित हो जाते हैं। इसको हम सिंपल चित्र द्वारा देख सकते हैं। देखो, ये अल्फा पार्टिकल्स इमिटर लिया हमने, एक चारों तरफ जिंक सल्फाइड के हमने डिटेक्शन स्क्रीन लगाई। जिंक सल्फाइड क्या होता है, जब भी इससे कोई इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो इसमें चमक उत्पन्न होती है, तो हम पता लगा सकते हैं कि कहां कहां चमक कितनी उत्पन्न हुई है। उसके सामने जो येलो कलर की हमने लिया है, ये गोल्ड हमने फोल ली है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, कुछ कण, देखो बी ग्राफ में देखो, कुछ कण जो है सीधे निकल रहे हैं बिल्कुल, और कुछ जो टकराए हैं वो वापस मुड़ गए या फिर थोड़ा सा विक्षेपित हो गए हैं इस तरीके से। इसको हम एक और इमेज समझ सकते हैं आसानी से। देखो, ये हमारा पार्टिकल्स, एक लेयर है परमाणु की किसी पदार्थ में। ठीक है, और जिसमें अल्फा कण थे वो निकल रहे हैं, देखो कुछ निकल रहे हैं, कुछ क्या हो रहे हैं, वापस मुड़ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सोने के परमाणु की पतली पन्नी ले मान सकते हैं हम इसको। परमाणु जो होता है, केंद्र के चारों
नाभिक के चारों ओर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन वो घूमते रहते हैं, ठीक है ना, और केंद्रक जो होता है बहुत ही सूक्ष्म होता है, ये आप देख सकते हैं ग्राफ डायग्राम में। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के परिणाम। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिए। इसके निम्नलिखित परिणाम मिले। तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए। आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। रदरफोर्ड के परमाणु नाभिकीय मॉडल के लक्षण। रदरफोर्ड के प्रयोगों के आधार पर परमाणु का नाभिकीय मॉडल के निम्नलिखित लक्षण थे। नंबर एक है, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है, यानी कि संपूर्ण द्रव्यमान जो होता है परमाणु के नाभिक में ही होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में काफी कम होता है। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटोनों की संख्या के बराबर होता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया उसके अनुसार परमाणु के भीतर का अधिकांश भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पतली पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। दूसरा, बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम होता है। तीसरा पॉइंट, यह धनावेशित भाग परमाणु का नाभिक होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, परंतु इलेक्ट्रॉनीय वृत्तीय कक्षा में घूमते हुए स्थायी नहीं बने रहेंगे, क्योंकि परिक्रमा के दौरान वे त्वरण उत्पन्न करते हैं। इस त्वरण के कारण वे विकिरण के रूप में ऊर्जा मुक्त करेंगे और वे नाभिक में खींचे चले जाएंगे और नाभिक से टकराएंगे। ऐसी स्थिति में परमाणु अत्यधिक अस्थिर हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा, जबकि ऐसी बात नहीं है। देखो बच्चों, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। भाई, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के यानी कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो चक्कर लगाने में कुछ ना कुछ ऊर्जा का जो है कमी होनी चाहिए, ठीक है। अब जब ऊर्जा की कमी होती रहेगी, घूमता रहेगा, ऊर्जा में कमी होती रहेगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा वो नाभिक जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में गिर जाएगा, परंतु ऐसा कभी होता नहीं है, ठीक है। तो रदरफोर्ड का मॉडल इस बात को नहीं समझाता कि जो इलेक्ट्रॉन है लगातार बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए घूम रहा है, तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन क्यों नहीं कर रहा है और वो नाभिक में क्यों नहीं गिरता है, ठीक है। नील बोर का परमाणु मॉडल। नील बोर ने जो है अपने परमाणु मॉडल की निम्न अवधारणाएं प्रस्तुत की। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। नील बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस निश्चित विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, मतलब ह्रास नहीं होता है। अब बात आती है ऊर्जा स्तर क्या होते हैं। परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों के चक्कर लगाने के लिए विभिन्न एवं निश्चित कक्षाएं होती है। परमाणु के चारों तरफ जो कक्षाएं होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उन्हें कोश कहते हैं। इन्हीं कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। देखो, बीच में हमारा परमाणु का नाभिक हो गया। परमाणु के नाभिक के बाद एक पहला गोला है, उसको कक्ष के कहते हैं। अधिकतम इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है 2। फिर कक्ष L, यानी कि N बराबर 2, यानी कि हम दूसरा कक्ष भी हम जिसको कह सकते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 8। इसके बाद है कक्ष M, N बराबर 3, यानी कि तीसरा कक्ष भी हम कह सकते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 18। और कक्ष N, N बराबर 4, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है 32।
तो इस तरीके से पहले कक्ष में दो इलेक्ट्रॉन होंगे जो नाभिक के पास होता है, दूसरा कक्ष जो होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से तीसरा नंबर का है उसमें 18, और जो नाभिक से चौथे नंबर का पड़ता है उसमें 32, 2, 8, 18, 32, 50, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। नेक्स्ट एन फाइव में 50 आ जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसी परमाणु के विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में नहीं होता है, तो प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और बाहरी कक्षा के में, यानी कि पहली प्रोटॉन नाभिक से पहली कक्षा में, तुम्हें अभी बताई थी के कक्षा, उसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक संरचना, कार्बन के परमाणु की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक संरचना की बात करें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, प्रोटॉनों की संख्या 6, ठीक है। देखो तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो पहली कक्षा में मैंने तुम्हें बताया था एन बराबर एक में केवल दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो कार्बन में पहली कक्षा में कोष के में दो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखिए आप, फिर कोष एल आता है तब दो आ गए, तो 6 है इसमें इलेक्ट्रॉन टोटल, तो बच गए 4, तो अगली कक्षा में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 हमारे पास है नहीं, 4 ही बचे, तो अगली कक्षा में एल कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। और बीच में जो आपका पर्पल कलर का दिख रहा है आपको, ये हो गया हमारा सेंटर एटॉमिक, जिसको हम एटॉमिक सेंटर भी कह सकते हैं। कार्बन के पास कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनके सबसे भीतरी कक्षा के में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है और बाहरी कक्षा एल में शेष बचे 4 इलेक्ट्रॉन रहता है। टोटल कुल कोष की बात करें तो हम इनको के एल एम एन आदि से शो करते हैं। कोष के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 2। कोष एल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 रह सकते हैं, कोष एन में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 रह सकते हैं, और कोष एन में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कोषों में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन रखने का जो नियम है वो है 2n2। n की वैल्यू k के लिए 1 है, l के लिए 2 है, m के लिए 3 और n के लिए 4 है, तो आप n की वैल्यू रखनी है, तो जब n की जगह 1 रखोगे तो 2 आएगा, n की जगह 2 रखोगे तो 8 आएगा, n की जगह 3 रखोगे तो 18 और n की जगह 4 रखोगे तो 32, जिसके आधार पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात की जा सकती है। देखिए पहले कोष के लिए k के लिए k बराबर होता है 1, तो 2 और 1 का स्क्वायर बराबर 2 मल्टीप्लाई 1 बराबर 2। दूसरे कोष L के लिए 2 और 2 का स्क्वायर बराबर 8। तीसरे कोष के लिए 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर बराबर 18। चौथे कोष के लिए 2 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर इक्वल टू 32 इलेक्ट्रॉन हमारे हो गए। संयोजकता क्या होती है? किसी परमाणु के बाहरी कोष में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। यानी कि कोई भी परमाणु है उसका जो बाहरी कोष है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहर वाला कोष जो है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है वही उसकी संयोजकता का निर्धारण करते हैं, वही उसकी संयोजकता कहलाती है। जैसे उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उसकी संयोजकता, जैसे किसी तत्व के कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 1 होगी, यदि उसके बाहरी कोष में 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन है तो भी उसकी संयोजकता 2, 3 या 4 ही होगी, यदि बाहरी कोष में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता निम्न होगी। जब बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन हो तो 8 में से 5 को घटाएंगे तो संयोजकता आएगी 3, यानी कि हमें 4 तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 संयोजकता हो जाएगी, 2 है इलेक्ट्रॉन तो 2 संयोजकता हो जाएगी, 3 है इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता 3 हो जाएगी, और 4 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 4 हो जाएगी। लेकिन 4 से ऊपर होगी, अगर 4 से 7 के बीच में होगी तो उसकी संयोजकता हमें क्या करनी है, 8 में से घटानी है। 8 से ऊपर किसी तत्व की संयोजकता नहीं होती है, ठीक है। तो 5 है तो 8 में से घटाएंगे, संयोजकता आ जाएगी 3, 6 है तो फिर 8 में से घटाएंगे, संयोजकता आ जाएगी 2, और 7 है तो संयोजकता आ जाएगी 1, 8 में 7 घटाएंगे तो 1 संयोजकता हो जाएगी। इस प्रकार से हम तत्व की संयोजकता को ज्ञात कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी संयोजकता 0 मानी जाती है। ये केवल अक्रिय गैसों में ही होता है, जिसकी संयोजकता 8 होती है
यानी कि जिसमें बारीकोस में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो किसी को ना तो इलेक्ट्रॉन देता है ना इलेक्ट्रॉन लेता है, क्योंकि सभी तत्व जो है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करते हैं अष्टक नियम के अनुसार। ठीक है, जिसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे वो ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा ना किसी को इलेक्ट्रॉन लेगा, ऐसा केवल अक्रिय गैसों में ही होता है। और सभी जो इलेक्ट्रॉन है लगभग 95% वो अपने अष्टक यानी कि अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए ही इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं और आबंध बनाते हैं। ठीक है, अभी एक तालिका देखिए, हम एक तालिका में पहले तत्व का नाम है, फिर प्रतीक है, फिर परमाणु की संख्या, फिर प्रोटोनों की संख्या, फिर न्यूट्रॉनों की संख्या, फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास KLMN कितने हैं उसमें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता। देखो सबसे पहले हाइड्रोजन है, प्रतीक होता है H, कैपिटल H से हम प्रेजेंट करते हैं इसको। परमाणु संख्या है इसकी 1, प्रोटोनों की संख्या है 1, न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें न्यूट्रॉन कोई नहीं होता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास KLMN है 1, यानी कि K इसमें कुल है और संयोजकता इसकी 1 होती है। हीलियम HE से रिप्रेजेंट करते हैं, परमाणु जो होते हैं इसमें परमाणु संख्या होती है 2, प्रोटोनों की संख्या होती है 2, न्यूट्रॉनों की संख्या भी 2 होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 2 होती है। इसमें जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी संयोजकता होती है 0, क्योंकि के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और जब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो उससे आगे इलेक्ट्रॉन नहीं हो आएंगे तो संयोजकता हो जाएगी 0। एक ऐसा पदार्थ हीलियम ही है जिसके बारीक कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये अक्रिय होती है। ठीक है, नंबर थर्ड है लिथियम। लिथियम का संकेत होता है Li, परमाणुओं की संख्या होती है 3, प्रोटोनों की संख्या होती है 3, न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 3 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 3। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कोश में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और L में जब क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन के में 2 ही आते हैं तो L में आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता हो जाएगी इसकी 1। बेरिलियम प्रतीक है Be, परमाणुओं की संख्या 4 है, प्रोटोनों की संख्या 4 है, न्यूट्रॉनों की संख्या भी 4 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 4 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एल कोश में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी संयोजकता चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो 4 से कम जितने होते हैं उतने हम लिख देते हैं तो संयोजकता भी इसकी 2 ही होती है। बोरोन कैपिटल बी से प्रेजेंट करते हैं इसको, परमाणु संख्या 5 है, प्रोटोनों की संख्या भी 5 है, न्यूट्रॉनों की संख्या भी 5 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 5 होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एल कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी संयोजकता होती है 3। इसके बाद कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, इसे कैपिटल सी से प्रेजेंट करते हैं, प्रोटोनों की संख्या होती है 6, न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 6, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है हमारा के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एल कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और संयोजकता होती है इसकी 4। इसके बाद है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का प्रतीक होता है कैपिटल N, परमाणुओं की संख्या होती है 7, प्रोटोनों की संख्या होती है 7, न्यूट्रॉनों की संख्या भी 7 होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 7 होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एल कोश में आते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। इसकी जो संयोजकता होती है, जो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आए 5, तो 8 में से घटा देंगे, 8 में से 5 घट के बच जाएगी 3, तो इसलिए ये संयोजकता वहां से आई है, 8 में से घटाने के 8 में से 5 को घटाने के बाद आई है। इसके बाद ऑक्सीजन प्रतीक है ओ, परमाणुओं की संख्या 8, प्रोटोनों की संख्या 8, न्यूट्रॉनों की संख्या 8, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 8 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है हमारा के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन एल कोश में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो बाहरी कोश कौन सा हो गया एल कोश, तो 8 में से घटा देंगे, 8 में से 6 घटकर इसकी संयोजकता आ गई 2। फ्लोरीन प्रतीक हो गया इसका फ्लोरीन का एफ, परमाणु की संख्या होगी 9, प्रोटोनों की संख्या 9, न्यूट्रॉनों की संख्या 9, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा के कोश में 2 और एल कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 8 में से हम 7 घटा देंगे बारीक कोश वाले इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता आ जाएगी 1। नियोन, नियोन एक अक्रिय गैस होती है, इसका प्रतीक जो होता है Ne होता है, N कैपिटल होता है, परमाणु संख्या होती है 10, प्रोटोनों की संख्या भी 10, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10, न्यूट्रॉनों की संख्या 10। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एल कोश में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। संयोजकता क्योंकि बारीक कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो जिसके बारीक कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं वो किसी को ना तो
इलेक्ट्रॉन देता है ना इलेक्ट्रॉन लेता है, तो उसकी संयोजकता जीरो होती है। इसके बाद है सोडियम। सोडियम का जो परमाणु क्रम संख्या होती है वो होती है 11। एन ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन होता है। प्रोटोनों की संख्या होती है 11, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11, न्यूट्रॉनों की संख्या भी 11, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कोश में 8, क्योंकि एल कोश में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, तो फिर एन कोश में आया, के एल एम कोश में आ जाएगा, ठीक है, और एम कोश में हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। चूंकि बारी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता कितनी होती है 1। मैग्नीशियम Mg, परमाणु संख्या 12 होती है, प्रोटोनों की संख्या भी 12 होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या भी 12 होती है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 12 होती है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 2, के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और एम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। तो चूंकि बारी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता कितनी हो गई भाई 2। एल्यूमिनियम प्रतीक, एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या होती है 13, प्रोटोनों की संख्या भी 13, न्यूट्रॉनों की संख्या भी 13, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 13, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3, यानी कि के कोश में 2, एल कोश में 8 और एम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन हमारे होते हैं, क्योंकि 3 है तो 4 से कम है तो 3 संयोजकता मानी जाएगी, क्योंकि बारी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता भी 3 ही हो जाएगी। बात आती है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या होती है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटोन होंगे वही उसकी परमाणु संख्या कहलाएगी। जैसे मान लीजिए कि किसी परमाणु के नाभिक में कुल 8 प्रोटोन हैं, तो उसकी परमाणु संख्या भी 8 होगी। इसी प्रकार यदि कुल प्रोटोन 11 हैं, तो परमाणु संख्या भी 11 ही होगी। परमाणु की संख्या बराबर प्रोटोन की संख्या। परमाणु द्रव्यमान, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटोनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। यानी कि प्रोटोन और न्यूट्रॉनों के जितना योग होगा, जितने प्रोटोन है जितने न्यूट्रॉन है दोनों को जोड़ दो तो उसका परमाणु द्रव्यमान निकल के आ जाएगा। यानी कि प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों के योगफल को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। जैसे किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटोनों की संख्या 4 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 5 है, तो उसका परमाणु द्रव्यमान 4+5=9 अर्थात 9 हो जाएगा। इसी प्रकार किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटोनों की संख्या 7 है और न्यूट्रॉनों की संख्या भी 7 है, तो उसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा 7+7=14 हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान संख्या बराबर होती है प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। यानी कि आपको प्रोटोन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या को जोड़ना है। अगर आपको प्रोटोनों की संख्या दे दी जाए और द्रव्यमान संख्या दे दी जाए तो न्यूट्रॉनों की संख्या आप निकाल सकते हो इस सूत्र से, ठीक है। अगर आपके पास न्यूट्रॉनों की संख्या है, प्रोटोनों की संख्या है, द्रव्यमान संख्या है, मतलब तीनों में से कोई भी एक यूनिट नहीं है आपके पास, तो दो का यूज करके आप निकाल सकते हो। सिंपल सा फॉर्मूला है। किसी भी परमाणु में जितने प्रोटोनों की संख्या होती है उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ये आपको याद रखना है, और उतने ही तत्व की परमाणु संख्या भी होती है। द्रव्यमान की संख्या प्रोटोनों की संख्या के बराबर भी हो सकती है और कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक किसी तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनके परमाणु संख्या तो बराबर होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। यानी कि परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। नंबर 1 प्रोटियम, इसको हम प्रेजेंट करते हैं 1H1। नंबर 2 है ड्यूटेरियम 1H2। इसके बाद है ट्राइटियम या ट्राइटन 1H3। ठीक है, तो इनका सबका परमाणु क्रमांक तो एक ही है लेकिन परमाणु भार प्रोटियम का 1 होता है, ड्यूटेरियम का ड्यूटेरॉन या ड्यूटेरियम का 2 होता है, ट्राइटन या ट्राइटियम का होता है 3। ठीक है, तो परमाणु भार सब, लेकिन है ये हाइड्रोजन ही तीनों, तो इनका जो अलग अलग भार होता है तो इसको ऐसे जो स्पीशीज होती है जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु भार भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे प्रोटियम की हम बात करें, प्रोटियम को 1H1 से प्रेजेंट करते हैं, मास नंबर होता है इसका 1 और ये 99.984% पाया जाता है। एक सामान्य हाइड्रोजन लेते हैं उसमें 99.984% ये होता है। ड्यूटेरियम की बात करें हम, 1H2 होता है, इसका मास होता है 2 और ये पाया जाता है 0.016%।
और इसके बाद ट्राइटियम की अगर हम बात करें या टाइटन की, तो इसको 1s3 से प्रेजेंट करते हैं हम, और इसको कैपिटल टी से भी प्रेजेंट करते हैं हम। ड्यूटेरियम को कैपिटल डी से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मास इसका होता है 3, और ये 10^-15% यानी कि बहुत ही कम चांस होते हैं इसके पाए जाने के एक हाइड्रोजन में, ठीक है। जैसे हम H2O से हम प्रेजेंट करते हैं जल को, और D2O से हम प्रेजेंट करेंगे भारी जल को, ठीक है। तो भारी जल क्या होता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो D2O से जो प्रेजेंट करेंगे उसको, कि भारी जल D2O होता है। समस्थानिकों के अनुप्रयोग। समस्थानिकों के उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। यूरेनियम का जो समस्थानिक है 92U-235 परमाणु भट्टी में नाभिकीय विखंडन में इसका प्रयोग किया जाता है। परमाणु बम बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। परमाणु भट्टी क्या होती है, उससे हम मेटल पिघलाते हैं या बिजली बनाते हैं। परमाणु भट्टी बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे हम पानी को गर्म करते हैं, पानी हमारा टर्बाइन को चलाता है जिससे बिजली बनती है, और या दूसरा फिर जो कड़ी धातुएं होती है जो आसानी से नहीं पिघलाई जा सकती उसको हम पिघलाते हैं इसमें। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। घेगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। समभारिक ऐसे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। समभारिक समस्थानिक का बिल्कुल विपरीत होता है, उसमें परमाणु क्रमांक समान थे, यहाँ पे परमाणु क्रमांक जो है भिन्न भिन्न होंगे, द्रव्यमान संख्या समान होगी। जैसे कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 तथा आर्गन की परमाणु संख्या 18 है, जबकि दोनों तत्वों का परमाणु द्रव्यमान जो है 40 है, तो ये एक दूसरे के समभारिक हो गए। अतः ये दोनों तत्व कैल्शियम तथा आर्गन समभारिक है, क्योंकि इनका परमाणु संख्या अलग अलग है परंतु इनका द्रव्यमान एक सा है, यानी कि जिनका परमाणु द्रव्यमान एक समान होगा उनका समभारिक बोलेंगे। समभार मतलब समान भार, संधि विच्छेद करें इस वर्ड का तो हम ये निकल जाएगा समभार। समस्थानिक का संधि विच्छेद करो तो सम जमा स्थान इनका स्थान एक हो। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, कॉलेज के नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू।